नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त तिलक राज। दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं अपराजिता के पौधे। तो अपराजिता के पौधों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको देना चाहूँगा जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर रंगों की बात करें अपराजिता के पौधों के ऊपर, तो उस पर इतने रंग आते, इतने कलर आते हैं कि कोई गिनती नहीं, बेहिसाब गिनती है इनकी। और हर साल इनके कलर भी बदल जाती है। अगर सीड से आपने पौधा लगाया, उसी सीड से दोबारा पौधा लगाओगे तो वो कलर कभी नहीं आएगा, दूसरा कलर थोड़ा सा अलग आएगा। अगर सेम आपको वही कलर चाहिए, तो अगर आपका पौधा जैसे ये वाइट है, ये बिल्कुल सेपरेट एक जगह पे पड़ा हुआ, अगर इसी के सीड हम लगाएंगे तो वाइट आएगा। और जैसे ये पौधे जो लगे हुए हैं, ये सारे कलर मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो ये 11 पौधे इस समय इस साइड पे लगे हुए हैं, तो इनके सारे टहनी एक दूसरे से मिक्स हो रही है। तो इसके अंदर 7 कलर हैं। तो जब इससे हम पौधा इस पौधे के सीड से लगाएंगे तो अलग ही कलर आएगा। ठीक इसी प्रकार इधर भी लगे हुए हैं, इधर भी 4-5-6 पौधे लगे हुए हैं। तो ये सारे मिक्स हो चुके हैं। ये कुछ ब्लू है इसके अंदर, ये पर्पल है, और ये स्काई ब्लू बल्टी का है। और इसी के अंदर ये आपको दिखाऊं तो ये अलग ही कलर इसका चमक रहा। तो दोस्तों, ये जब बीज मिक्स हो जाते हैं आपस में, सारी शाखाएं मिक्स हो जाती हैं, तो उसका कोई ना कोई नया कलर बनता है। अपराजिता के पौधों का नया कलर निकलेगा। अगर पौधा सिंगल सीड से, सिंगल ही पौधा एक ही जगह पर लगाया हो, तो उस सीड से तो वही कलर निकलता है। लेकिन कलर बदल कैसे जाते हैं, जैसे ये शाखाएं आपस में मिली हुई हैं, ये वाइट भी है, ब्लू भी है, पर्पल भी है, तीनों पौधे इसमें लगे, तो ये तीनों के सीड आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीड बनेंगे। अब इसके जो सीड से जो भी हम पौधा ये ग्रो करेंगे, उसका अलग ही कलर आएगा। तो अपराजिता के पौधे के ऊपर काम करते हुए मेरे को आज 5-6 साल हो गए हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है दोस्तों। तो अभी कुछ दोस्तों को मैंने पीछे 200-250 दोस्तों को सीड भेजे थे अपराजिता के, तो हर एक के घर में लगा भी नहीं पौधा, और जिसके लग गया उसके सबके अलग अलग टाइप के फूल उनके खिले। जरूरी नहीं कि जिसको सफ़ेद दिया तो सफ़ेद ही लगा, या ब्लू दिया तो ब्लू लगा, या मल्टी का कोई अलग कलर दिया तो कोई कलर आया, सबके कलर अलग आती है। तो कल भी मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे 2 जनों ने फोटो भेजी है अपने फूलों की, तो उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो ये जितने भी मतलब ये पौधे जो शाखाएं आपस में मिल रही हैं, इनका सबका अगर हम देखेंगे तो इनके सीड से सबके एक से एक बेहतरीन कलर निकलेगा आने वाले टाइम में। तो ये कितनी घनी हो रही है हमारी, ये इसके अंदर पूरी दीवार ही अगर देखा जाए तो हमारी अपराजिता से भरी हुई है। तो जो मेरे दोस्त हैं जिनके नए नए सीड से फूल निकले हैं, उनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ,
तो मेरे दूसरे मोबाइल में है, तो मोबाइल के अंदर से उसकी फ़ोटो निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तो सोनी धारवी जी हैं, उनके यहाँ दो तरह के फूल खिले हैं, दोनों का ही कलर बहुत ही अलग है। और एक निशा जी हैं, शायद बरेली से हैं, उन्होंने कल अपने भेजी है, फ़ोटो भेजी है, तो उनका भी कलर बहुत प्यारा आया है। तो मैं अक्सर फोटो अपनी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दिया करता था, तो ऐसा हिसाब हो गया कि लोगों ने सीट मांगने वालों ने सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सीट 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 करते रहते थे। तो आखिर में तंग आके मेरे को ये सब अपना अकाउंट बंद करना पड़ा, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि सीट इसके कब बनते हैं, कब नहीं बनते हैं, पूरी तरह कब तैयार होते हैं। बस उनके तो एक ही दिमाग में चल रहा है, सीट मिल जाए और हमारे पौधे आज ही रात हो रात ऐसे खिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का टाइम है, वक्त लगता है। तो मैं कोशिश करके दिखाता हूँ आपको उन फूलों के बारे में जो दोस्तों के घर पे नए नए निकले हैं, फूल निकले हैं उनके यहाँ। तो दोस्तों, ये मेरे दूसरे मोबाइल के ऊपर मैंने फ़ोटो ली है उनकी, आपको शायद दिखाई दे रही होगी। तो कितना प्यारा इसका कलर निकला है। अगर इसका अगर हम कहें कि इसके सीड से अगली बार भी नेक्स्ट टाइम ऐसा ही फूल बने तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये मेरे ख्याल नाइट का फोटो ली हुई है, और ये लाइट ब्लू के अंदर ये फोटो आई है। तो बहुत ही अच्छा कलर इनका ये निकला है। तो इन्होंने कल फोटो भेजी थी मेरे को सोनू धारवी जी ने, और कितना प्यारा कलर है दोस्तों। तो उससे पहले इन्होंने अपने ये फूल की फ़ोटो भेजी थी। अब ये फूल ये देख लो दोस्तों, इसका कलर देख लो। तो हर बार ये कलर चेंज हो जाता है। और कलर के बारे में बताऊँ तो एक चीज़ मतलब मैंने नोट करी है, शायद कुछ लोगों को वीडियो देखने वाले को बुरा भी लगे, जैसा इंसान का नेचर होता है उसी हिसाब से इसके फूल भी आती है। तो किसी किसी के पास तो जाके ये सीड लगे ही नहीं, और किसी किसी के पास जाके इतने प्यारे उनके फूल का कलर निकला पूछे ही पर। तो जैसे अब ये डार्क ब्लू है और इस तरफ ये वाइट है, और इसके बीच में ये पिंक है। ये तीनों की शाखाएं आपस में मिली हुई हैं, और जब इनका सीड कोई अलग से कुछ ऐसे निकलेंगे जिस पे कोई अलग ही कलर आएगा, तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे ये कैसे मतलब कलर निकलते हैं परास्ता के, और कैसे बनते हैं कलर। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो व्हाट्सएप नंबर मैं अपना बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 704-29-30-423, और जो आजकल सीड अगर देता हूँ तो व्हाट्सएप नंबर से ही देता हूँ मैं। व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को एड्रेस भेजोगे तो जब भी सीड देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, सीड अभी बने भी नहीं है, एक महीना और लग जाएगा सीड तैयार होने में। सीड काफ़ी आ रहे हैं तो इंतज़ार करें मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले। तो इसी के साथ चलता हूँ, फिर कुछ
नेक्स्ट जानकारी आपको देंगे।